बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुजीत पात्र जी, तुसी अपने मिठे बोलों से कवि के दिन दिया रुझानों तो अज के इस विषय छंद शास्त्र बारे बहुत सूखम विचार पेश किए। मैं डॉक्टर मुरमू को बेनती करती हूँ कि अज के इस सेमिनार में अपनी प्रधानगी शब्द साढ़े सारे साझे कर डॉक्टर सुरिंदर सिंह जी। जैसे सुरदीप माता जी ने भी कहा, इस सेमिनार की योजना ही ऐसे बनी। सुरदीप माता और मैं बात कर रहे थे कि हमारा जो काव्य है इससे क्या हो रहा है, कैसी कविता आ रही है। तो इसी से ये बात निकली कि छंद शास्त्र पर कुछ सोचा जाए, बात की जाए। छंद शास्त्र की हमारी एक परंपरा रही है और छंद शास्त्र के बारे में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में ही सोचा गया है। ये नहीं कि दूसरे लोगों ने सोचा, नहीं, यूनान ने सोचा, जर्मन लोगों ने सोचा, अंग्रेजी वालों ने भी सोचा कुछ ना कुछ, लेकिन हिंदुस्तान में ज्यादा सोचा गया। आप सभी भाषाओं वाले बैठे और भारतीय छंद कविता का जो छंद है ये एक ऐसी बात है, हम जाने कि हर भाषा में इसके बारे में क्या सोचा जाता रहा है या सोचा जा रहा है। पास बैठे दूसरे, एक कंपैरेटिव स्टडी है जो वो हो, तो इसमें से ये सेमिनार निकला। जहां तक छंद की बात है, बहुत कम किताबें हैं पंजाबी में। पैकाम सिंह नाभा के बाद गोविंदर सिंह की पिंगल और उस तो बहुत लोगों ने पढ़ी है, या तेजा सिंह और कर्म सिंह की नवा पंजाबी पिंगल एक किताब है वो पढ़ी है, प्रोफेसर मनोज सिंह ने गद्य रचना देखी और बहुत लोगों ने किताबें लिखी, लेकिन कम चर्चा हुआ। और संसद शेखों ने भी सहतारथ जिन्होंने पढ़ी है, सभी ने पढ़ी सहतार्थ, आपने देखा होगा कि उसमें बार बार उन्होंने छंदबद्ध कविता है जो उस पर जोर दिया है, जिक्र किया है उसका। तो इसलिए भी एक बात मैं और कहना चाहता हूं, वो ये है कि छंद और राग इनका बहुत गहरा तलक है। क्लासिकल राग सिर्फ बहुत, मैं कोई राग का माहर नहीं हूं, पर मैंने कुछ बात समझने का यत्न किया है। खासकर गौड़ी राग है, ये जितनी भी उस राग की किस्में हैं उसमें छंद बदल जाता है। ऐसे ही जो दूसरे राग हैं सहस से छंद है, एक छंद नहीं है। और इसीलिए हमने ये सेमिनार की योजना बनाई थी कि ये बहुत गंभीर बातें हैं, इनके प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और ये प्रोजेक्ट जो बन सकते हैं वो सिर्फ मैंने देखा है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी में ही बन सकते हैं। डॉक्टर साहब को हम लोग कहते हैं, वो उसका तर्क समझ लेते हैं और बनाते हैं, और आने वाले दिनों में छंद शास्त्र पर हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे भारतीय कविता का और गहरा अध्ययन कर सकें, ताकि जो कविता में हमें जरूरत है और जैसे कविता में बिगाड़ पैदा हो रहा है उसके बारे में भी इस संदर्भ में कुछ सोचा जा सके। इतनी बात ही मैं कहना चाहता हूँ।